बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आयशा डायरीज। कैसे हैं व्यूअर्स? इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ठीक होंगे जी। ये देखिए जी, मैंने एक खूबसूरत सी कैब बनाई है। ये 10 से 12 साल की बच्ची के लिए है। बहुत ही खूबसूरत सी कैब है। आइए मैं अब आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आइए मैं आपको कैप बनाना शुरू सिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसका, ये हमने एक इस तरह, ये देखिए उंगली पे करके ये इस तरह हमने इसका रिंग बना लिया। और यहाँ से हम इसको इस तरह करके, ये देखिए एक स्टिच लेंगे, एक, और उसके बाद हम इसको उंगली से निकाल लेंगे, दो, तीन, चार, ठीक है, और ये पांच, और ये छः, ठीक है। ये छः हमने इसका बना लिए। छः स्टिच बनाने के बाद अब हम इसका जो ये वाला धागा है इसको हम खींच लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा इस तरह का हो जाएगा, सर्कल सा बन जाएगा। और अब हम इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। अब हम पहले बनाएंगे, छः हैं तो हम इसको 12 करेंगे, ठीक है। छः स्टिच थे तो अब हम इसके 12 स्टिच बनाएंगे पहली रो में, करके ठीक है। इसको हमने सख्त खींचा, एक, दूसरे में भी हम इसी तरह, दो, ठीक है, फिर आगे वाले में भी हम इसी तरह, ये एक, ये इसी तरह हमने, ये पहले हमने इसके छः बनाए थे, छः के हम 12 बनाएंगे, ठीक है। 12 के बाद हम इसके 18 बनाएंगे। इसी तरह हम, ये देखिए, ठीक है, हम ये देखिए हो गया। और ये यहाँ से मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारा 12, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा 12, ठीक है, 12 हो गए। अब हम इसके हर स्टिच में से फिर हम एक स्टिच छोड़ के दूसरे में हम डबल लेंगे। इसी तरह फिर ये हमारे 18 की चेन बन जाएगी। इसी तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, मतलब के हर उसमें ना आपने ना एक एक स्टिच बढ़ाना है, ठीक है। अब पहले हमने हर एक में से डबल लिया था, अब हम एक छोड़ के एक में डबल लेंगे। ये देखिए, इसको हमने सिंगल बनाया, फिर अगले में हमने ये एक और ये दो, ठीक है, फिर आगे वाला हम सिंगल छोड़ के फिर इसमें एक और ये दो, फिर ये वाला सिंगल छोड़ के फिर आगे वाले हम डबल, एक और ये दो, ठीक है। फिर हमने एक सिंगल छोड़ा, फिर आगे वाले में हम दो डबल लिए,
दो डबल क्रोशिया हमने इसको बनाना है, ये देखिए दो, ठीक है। फिर आगे वाला हम फिर सिंगल छोड़ेंगे, ये देखिए जी, ये इस तरह का हमारा डिज़ाइन। ये हमने, ये याद रखिएगा, आप चाहे तो को सेफ्टी पिन के साथ निशान लगा लें कि यहाँ से ये हमारा इसका सर्कल शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। वैसे आइडिया तो हो जाता है कि जी कहाँ से सर्कल शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारा, या नहीं तो आपको पिन वगैरह लेके यहाँ पे आप निशान लगा सकती हैं, ठीक है। ये इस यहाँ से हमारा सर्कल इसका शुरू हो रहा है, तो ठीक है। इसी तरह अब पहले मैंने पहले लाइन में हमने डबल बनाया, 6 के हमने 12 बनाए, फिर 12 के हमने 18 बनाए। 12 के ये क्या कि हमने एक को छोड़ के दूसरे में डबल लिया। अब जब हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे तो दो को छोड़ के तीसरी में डबल लेंगे, तीसरी उसमें स्टिच में डबल लेंगे। ऐसे ही हम इसकी बढ़ाते जाएंगे जब हमारा ये पूरा ऊपर का पार्ट ना बन जाए। इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे, ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। इसका पहला पार्ट है जब हम हर स्टिच में से पहले पहली रॉ में हमने एक डबल लिया, फिर दूसरी में हमने एक छोड़ के दूसरे में लिया, फिर तीसरी में हम दो छोड़ के तीसरी, ऐसे हम इसके बढ़ाते जाएंगे। मैं ये थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए व्यूअर्स, ये जी मैंने इसका तकरीबन मैंने इसकी 17 रॉ बना ली है, ठीक है। ये हमने जिस बच्ची का बनाना है उसके सर पे रख के हमने कर लिया कि सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उसका हमने बना लिया। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 बनाने, पार्ट 2 ये है कि यहाँ पे जो हम स्टिच बढ़ाते जा रहे थे कि कभी एक के बाद डबल, फिर दो के बाद डबल, फिर तीन के बाद, चार के बाद, ऐसे ही जैसे जितना हमें साइज़ चाहिए उसी हिसाब से हमने इसके स्टिच बढ़ाए हैं, ठीक है जी। मुझे जो इस साइज़ के मुताबिक मैंने बढ़ाया है, तो इसके मैंने ये किया कि अब मैं 15 के बाद मैंने स्टिच बढ़ाया। लास्ट जो मेरी ये लाइन थी, रो थी, ये है कि मैंने 15 के बाद स्टिच बढ़ाया, 16 जो थे उसको मैंने डबल बनाया, ठीक है। ये मेरा अब उसका बन गया। अब जो इसके बाद हम ये बनाएंगे, ये हमने 4 लाइनें मतलब 4 रो हमने बनानी है, बिल्कुल सिंपल, हमने कोई स्टिच नहीं बढ़ाना है इसमें, ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से शुरू कर लिया। और एक बात और, यहाँ पर जो मैं ये देखिए, ये मैंने इसको बढ़ाना, इसको ना बिल्कुल सिंपल मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसमें ये मैंने किया है कि जो जहाँ पे मैंने स्टिच बढ़ा रही थी जिस जगह से, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने एक एक स्टिच को स्किप किया है, ठीक है ना। ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, डबल ऊन हो जाती है तो थोड़ा मसला करती है। एक तो हमने इसको थोड़ा सा खींच के, ताकि ये जो हमारा अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड हो जाए, इसके लिए हमने ये किया है कि इसका जहाँ पे मैं स्टिच इसका एक ऐड कर रही थी, मैंने इसकी जगह फिक्स, ये देखे ना ये कोने बने हुए, यहाँ यहाँ मैं इसका स्टिच बढ़ा रही थी। अब यहीं पे मैंने इसका, जब हम मैंने इसकी 18 रो बन जब मैंने शुरू की है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आके ये देखिए, ये जो मैं है दरमियान वाला एक स्टिच को मैंने स्किप कर दिया जी, उसको छोड़ के उससे आगे वाले भी हम बना लेंगे इस तरह करके, ठीक है। इससे ये होगा, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, इससे ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होने लगी है, ठीक है। इसी तरह हम अब ये मैंने एक लाइन रो बना रही हूँ, इसके बाद हमने सेम इसको, इसके बाद हमने कोई खाना, कोई जो स्टिच है उसको हमने स्किप नहीं करना, ऐसे ही हमने इसकी इसके बाद स्किप करने वाली लाइन के बाद हमने 3 लाइनें और बनानी है, ठीक है। 3 लाइनें और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हमने इसके कुछ स्टिच बढ़ाने हैं। अभी मैं सिर्फ ये आपको बता रही हूँ कि इसके हम अंदर की तरफ इसकी गुलाई हमने इस तरफ करनी है, तो इसका ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। हाँ, तो ये देखिए जी, ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ये मैंने इसके 4 इसकी लाइनें बना ली हैं, 4 रो क्या हैं इसको, वो मैंने बना ली। इसके बाद ये जो 5वीं रो थी, इसमें मैंने हर 12 के बाद
हर 12 के बाद जब 13, ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को हमने डबल बनाना है, ये देखिए इस तरह, ठीक है। क्योंकि अब ये हमारा नीचे वाला स्टेप शुरू हो गया है, जो सर के कानों के ऊपर और इस जगह कानों के ऊपर आएगा, तो ये हमने थोड़ा सा नीचे से अब खुला करना है। बस इसी लाइन इसी रो में हमने बढ़ाना है, हर 12 के बाद ये एक 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 स्टिच को डबल बनाते जाना है, ठीक है। उसके बाद अब ये बस सिंपल ऐसे बनाते जाना है। इसको हमने तकरीबन नीचे 3 इंच के करीब हमने इसको नीचे बनाना है, ठीक है, जो हमारे माथे के ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसके नीचे वाला थर्ड पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ठीक है, ये दूसरा पोर्शन है इसका। इसके बाद हम इसका थर्ड पोर्शन बनाएंगे, ठीक है जी। ये मैं कंप्लीट करके फिर जब मैं आपको इसका तीसरा पार्ट या पोर्शन जब शुरू करूँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कि उसके स्टिच हमने एकदम से कैसे बढ़ाने हैं, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ये हम इसकी यहाँ पे हमने 17 इसकी ये रो बनाई है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसका ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, अब हम इसका थर्ड पोर्शन बनाएंगे। थर्ड पोर्शन इस तरह बनाएंगे कि जी ये जो है यहाँ पे इसका ये देखे ना, ये आप चाहें तो सेफ्टी पिन लगा लें, लेकिन मैं इस निशान से वो कर रही हूँ। देखिए यहाँ से ये लाइन शुरू हुई थी, अब यहाँ से मैं इसका थर्ड पोर्शन शुरू करूँगी। थर्ड पोर्शन में हमने ये करना है कि ये देखिए जी, यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। और तीसरे स्टिच को हम डबल बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इसका हम थर्ड पोर्शन बना रहे हैं, तो इसका ये हमने करना है, ठीक है। फिर 2 1 और ये 2, ठीक है। फिर 3 3 को हम डबल बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद हमने हर स्टिच में से एक स्टिच लेना है, ठीक है। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए जी, ये मैंने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने हर, ये देखिए यहाँ पे, ये 2 के बाद फिर 2 स्टिच डबल, फिर 2 सिंगल, फिर 2 डबल, इस तरह करके मैंने इसकी ये लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी ये थर्ड पार्ट की पहली रो थी, अब हम थर्ड पार्ट की दूसरी रो बनाएंगे। दूसरी रो ये बनाएंगे कि हम हर स्टिच के ऊपर एक खाली स्टिच बनाएंगे। इसमें हमने डबल नहीं बनाना, इसमें हमने, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमने हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। सॉरी, डबल ऊन है तो थोड़ा सा मसला करती है। ये देखिए, इस तरह करके हमने हर स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनाते जाना है, ठीक है। और ये थोड़ी सी हमारी यहाँ से खुली होती जाएगी, इस तरह की ये इसकी लेयर बनेगी। ये हमने जो थर्ड पार्ट की पहली रो थी वो हमने बनाई 2 के बाद, हर 2 खाली स्टिच के बाद एक तीसरे में हमने डबल स्टिच बनाया, ठीक है। अब ये हमने इसकी दूसरी रो बना रहे हैं, ये हर स्टिच के ऊपर एक स्टिच आएगा, तीसरी भी ऐसी आएगी और चौथी रो भी ऐसी आएगी, ठीक है। 1 पे हमने स्टिच बढ़ाया, 2 3 और 4, ये हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये मैं अब इसकी दूसरी रो शुरू कर रही हूँ, दूसरी तीसरी और चौथी रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने इसके जहाँ से स्टिच बढ़ाए थे उसके बाद हमने इसके 3 रो मुकम्मल कर लिए हैं। ये इनके ये टोटल थर्ड पार्ट की 4 रो कम्प्लीट हो गए हैं। अब हम इसके 5वीं रो शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ये 1 2 3 और ये 4, जब चौथा स्टिच होगा तो इसको हम डबल बनाएंगे, ठीक है। हर 3 के बाद जो चौथा स्टिच होगा उसको हम डबल बनाएंगे,
ठीक है। और ये चार, ये देखिए। इसी तरह हर तीन के बाद चौथे स्टिच में हम डबल स्टिच लेंगे, ये एक, ये पांचवी रो हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह उसके बाद 6, 7 और 8 उसको हम हर सिंगल स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे, सिंगल में सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये 3 8 लाइन बना के, 8वीं रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको ये 5वीं रो में इसके मैंने स्टिच बढ़ाए थे, फिर 6 7 8 मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसकी पार्ट 3 की 9वीं लाइन शुरू कर रही हूँ, 9वीं रो, ठीक है। इसमें हमने ये करना है कि जी ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 और 4 हमने हर 4 के बाद डबल स्टिच लेना है, ठीक है। हर 4 स्टिच के बाद, सिंगल स्टिच के बाद हमने एक डबल स्टिच लेना है, फिर ये 1 2 और ये 3 और फिर ये 4 को फिर हमने डबल बनाना है। देखिए 4 को नहीं, 5 को हमने डबल बनाना है, ठीक है। 4 सिंगल लेके 5वें को हमने डबल बनाना है। देखिए ना, यहाँ पे हमने डबल बनाया, फिर 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। इसी तरह हम ये इसकी 9वीं रो कंप्लीट कर लेंगे, लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें, आपको ही इतना इसका फैलाव सही लगे तो ठीक है, नहीं तो चाहें तो 1 2 लाइनें और बना सकते हैं। मैं ये 9वीं लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं 2 लाइनें और बनाऊंगी, 10 और 11, ताकि ये बड़ी बच्ची का है तो उसके आगे ये थोड़ा सा और इतना थोड़ा सा और बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद वो बनाने पर, उसको कंप्लीट करने के बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसका डोरियाँ शोरियाँ लगा के इसके बना के डिज़ाइन में, मैं पहले ये लाइनें कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसका डिज़ाइन और ये दिखाती हूँ कंप्लीट करके। हाँ जी, ये देखिए जी, ये हमारी कैप कंप्लीट हो गई है, ये देखिए, ठीक है। और अब हम इसके इसको क्या कहते हैं, डेकोरेट कर रहे हैं इसको, हम इसका थोड़ा सा काम करते हैं ताकि ये और प्यारी लगे। इसके लिए ये देखिए, ये मैंने इसकी चेन बनाई है उसी डबल से ऊन से, इसकी हमने मैंने ये 150 चेन बनाई है, 150 इसकी, 150 इसकी, 150 इसकी, ठीक है। 150 चेन इसकी बना के ना इसको हमने इस तरह इसको बनाना है कि इसकी जो ये ऊपर वाली साइड है ना, सीधी साइड, वो ऐसे ऊपर आए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह इसको आराम सही से सही तरीके से करके इस तरह हम इसको जिस तरह चुटिया बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह हम इसको बना लेंगे, इसको बना के, ठीक है। फिर हम इसको इस तरह रख के यहाँ पे, ये देखिए, इस तरह करके इसके ऊपर हम ये मोती लगाएंगे, ठीक है। मैं ये बना के इसको फिर मोती लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर मोती कैसे लगाते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसकी ये डोरी बना के लगा दी है, साथ में मैंने एक फूल बनाया है, ये देखिए इस तरह इसका ये, और इसके सेंटर में मैंने एक मोती लगा दिया। अब इसके साथ ही हम ये देखिए इस तरह करके, हाँ, इसमें आप जितना फासला रखना चाहें उसमें ऐसे करके ये होगा कि ये जो हमारी, हमने जो इसकी डोरी बनाई है ये कैप के साथ भी अटैच होती जाएगी, ये देखिए इस तरह करके, ठीक है। ये हमारी कैप के साथ भी अटैच होती जाएगी और इस पे ये बीट्स भी लगते जाएंगे। ये मैं आपको पूरा इसके बीट्स लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको ये बीट्स या इसको मोती कहें जो भी, मैंने इसको लगा के कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए जी, ये देखिए।
बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इससे पहले कि आप मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।